नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, हम उपस्थित हैं आज अपनी नई कहानी के साथ और बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है दो राजाओं की। दोस्तों, दो राजा होते हैं, वो एक दूसरे के परस्पर बहुत अच्छे मित्र होते हैं। पहले राजा के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है, एक पुत्र का जन्म होता है, तो वो अपने मित्र राजा के लिए न्योता भेजता है। जिस तिथि पर दावत थी, जिस तिथि पर न्योता था, राजा उस तिथि पर उपस्थित होता है और न्योता ग्रहण करता है। न्योता ग्रहण करने के पश्चात जिस राजा के यहाँ पुत्र हुआ था वो उस राजा के लिए उपहार देता है। उपहार में दो बाज के बच्चे देता है। बाज के बच्चों को पाकर दूसरा राजा बहुत प्रसन्न होता है और खुशी खुशी उनको लेकर अपने घर चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो एक ट्रेनर नियुक्त करता है कि बाजों को सिखाया जाए, उड़ना सिखाया जाए, इसलिए उस ट्रेनर की नियुक्ति की जाती है। ट्रेनर उनको सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखता है कि एक बाज बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता है, लेकिन एक बाज ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता है। वह थोड़ी दूर उड़ पाता है, थोड़ी ऊंचाई पर ही, लेकिन उसके बाद एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। फिर राजा को बताया जाता है कि आप दोनों बाजों की उड़ान को देखिए। राजा वहां जाता है और देखता है कि एक बाज काफी ऊंचाई तक जा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पाता है और जाके एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। राजा ने ट्रेनर से कहा कि कैसे भी करके इसको भी उड़ना सिखाओ, जैसे सिखा सकते हो। ट्रेनर बहुत परेशान हो जाता है कि मैं बराबर काम कर रहा हूं लेकिन एक बाज को नहीं सिखा पा रहा हूं। लेकिन उसका एक मित्र होता है जो किसान होता है। वह अपने मित्र से सारी समस्या कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि दो बाज थे और एक तो उड़ पा रहा है लेकिन दूसरा नहीं उड़ पा रहा है। तो किसान कहता है चलो मैं देखता हूँ चल के। जब किसान देखता है उसके सामने दोनों बाज उड़ाए जाते हैं, तो पहला बाज तो बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है, लेकिन दूसरा जो बाज होता है लौट के पेड़ की एक डाल पे बैठ जाता है। किसान कहता है ऐसे दोबारा से उड़ाओ। तब ट्रेनर उन दोनों बाजों को दोबारा से उड़ाता है। जब दोनों बाज उड़ रहे होते हैं तो किसान जिस डाली पर पहला बाज आके बैठ जाता था उस डाली को ही काट देता है। जब बाज नीचे आता है तो उसे वो डाली नहीं मिलती, तो वह फिर से उड़ने का प्रयास करता है। उस डाली को ना पाकर उसे लगा कि मेरे जो बैठने का स्थान था वो तो नहीं रहा मेरे पास, इसलिए मुझे उड़ना चाहिए। फिर वो उड़ने लगता है और कुछ समय के बाद पहले वाले बाज की तरह ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्ष यही है, उस कहानी का शिक्षा यही है कि हम जीवन में थोड़े समय के लिए अगर सफल होने लगते हैं और कंफर्ट जोन में पहुंचने लगते हैं तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन कहीं एक छोटे से जगह पर हम स्टे कर जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे अच्छा नहीं कर सकते, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। पहले बाले बाज की तरह ना बनिए जो थोड़ी दूर चलकर की डाल पे बैठ जाता था, दूसरे बाले बाज की तरह बनिए जो बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जा सकता था। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।